अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन की एक ऐसी रेसिपी जिसका नाम है शाही चिकन कोरमा, जो कि इसकी ग्रेवी चिकन के अंदर इतनी लिपटी हुई रहती है, तो आप इसे चिकन लिपटमा भी बोल सकते हैं। ये बड़ी मज़े की लगती है और बड़ी दानेदार इसकी ग्रेवी बन के तैयार होती है। चलिए देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक पतीला लिया है और उसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल, जो कि तकरीबन होगा 100 ग्राम। और ऑयल जैसे ही गर्म होता है तो मैं कुछ खड़े गर्म मसाले डालूंगी, जिसमें मैंने 3 हरी इलायची, 1/2 चम्मच ज़ीरा, 1 तेज़पत्ता और 1 बड़ी इलायची ली है। और जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो मैं ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए, जैसे ही अच्छे से ये फ्राई होता है तो मैं इसमें डालूंगी चिकन। तो चिकन को मैं अब इसमें डाल दूंगी। चिकन मैंने लिया है 500 ग्राम और चिकन को मैं ऑयल के अंदर बहुत अच्छी तरह से चला लूंगी। और मुझे तब तक चलाना है जब तक कि चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। तो ये देखिए, ऑयल के अंदर मैं इसको बहुत अच्छी तरह से चलाती जाऊंगी। इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है और इतनी पीसेस में लिपटी हुई रहती है कि आपको खाएंगे तो आप खाते रह जाएंगे। तो जो मैं आज इस तरीके का ये चिकन बना रही हूँ, तो आप इस तरह से बना के ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए, जैसे ही कलर चेंज होता है तो मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने 2 चम्मच लिया है। और इसको भी मैं चिकन के साथ अच्छी तरह से भून लूँगी जब तक कि इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। तो ये देखिए, अदरक लहसुन के पेस्ट को चिकन के साथ अच्छी तरह से हमें भूनना है, ताकि एक जो कच्चेपन का स्मेल रहती है वो इसमें से हट जाए। तो इस तरीके से मुझे चिकन को अच्छी तरह से चलाते जाना है। और चिकन इतना अच्छा ये बनके तैयार होता है। तो ये देखिए, कितने अच्छे से हमारे चिकन के पीस फ्राई होते जा रहे हैं। और अब मैं इसमें लूँगी कुछ ड्राई मसाले, जिसमें मैंने ली है 1/2 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च ली है और 1 चम्मच नमक लिया है। ये सारे मसाले मैं इसमें डाल दूँगी और मसालों को डाल के मैं इसे अच्छे से चला लूँगी। तो ये देखिए, मसाले हमारे कितनी अच्छी तरह से चिकन से लिपट गए हैं और चिकन का कलर कितना अच्छा सा आ गया है। और अब हम इन मसालों को अच्छी तरह से चिकन के साथ भूनेंगे। तो ये देखिए, मुझे लगातार इसे चलाते जाना है। मसालों को हमें चिकन के साथ बहुत अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि हमने इसका मैरिनेशन तो किया नहीं है। तो ये सारे मसाले जो हैं चिकन के अंदर अच्छे से पहुंच जाएं और अंदर तक इसका फ्लेवर आ जाए। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हमें इसे बहुत अच्छी तरह से चलाते जाना है, ताकि चिकन के अंदर इसका मसाला जो है बहुत अच्छे से पहुँच जाए। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको चला लिया है। और अब मैं इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रखूंगी मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए, जब तक ये हमारा चिकन पक रहा है तो मैं आपको कुछ मसाले दिखा रही हूँ, जिसमें मैंने बादाम लिए हैं 10 से 12, 1 चम्मच खशखश और 1 चम्मच खोपरे का बुरादा। और ये मैंने छोटी छोटी सी 2 प्याज को अच्छे से फ्राई करके पहले निकाल लिया है। और इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। तो ये देखिए, मैंने इसका बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा दही डाल के पेस्ट बनाया है। और इस पेस्ट को अब मैं चिकन के अंदर डाल दूंगी। तो ये देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने कवर हटा के देखा है और चिकन को मैंने बहुत अच्छे से चला लिया है। तो ये देखिए, मसाले हमारे बहुत अच्छी तरह से फूल चुके हैं और जो मैंने पानी डाला था उसमें बहुत अच्छी तरह से भुनते जा रहे हैं। तो अब मैं इसको अच्छे से चला लूँगी। तो ये देखिए, कितनी अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है। और अब मैं सारी जो मैंने दही के अंदर ये जो सारे मसाले पीसे हैं, बादाम, खशखश और ये, तो इन सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से चला लूँगी। तो ये देखिए, कितनी अच्छी सी हमारी ये ग्रेवी तैयार हो गई है। और अब मुझे इसे अच्छे से भूनना है। और ये जो पत्ता है अब मैं इसे निकाल दूँगी, क्योंकि इसका जो सारा फ्लेवर है वो ऑयल के अंदर आ चुका है और मसालों में भी इसकी खुशबू पहुंच चुकी है।
तो अब मैं इसे हटा दूंगी और ग्रेवी को बहुत अच्छी तरह से भून लूंगी 10 से 15 मिनट तक, जब तक कि इसका जो इसका मसाला दानेदार ना हो जाए, तब तक हमें इसे बहुत अच्छी तरह से चलाते जाना है। और जितना हम इसके मसाले को भूनेंगे हमारी ग्रेवी उतनी अच्छी बन के तैयार होगी। तो ये देखिए खूब अच्छी तरह से ये मसाला भुनने लगा है और अब मैं इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी, क्योंकि हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे तो मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक जाएगा। ये देखिए कितना अच्छे से पक चुका है मसाला और ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। तो मैं अब इसको अच्छी तरह से चला लूँगी, अभी 5 मिनट और मैं इसे अच्छे से भूनूँगी। देखिए कितना दानेदार सा मसाला हमारा हो गया है, ये हमारा शाही कोरमा बन के तैयार हो रहा है। तो इसमें थोड़ी सी ग्रेवी के ज़्यादा ही जाती है, तो जो मैंने बादाम और खशखश और खोपरे का बुरादा लिया है, इससे क्या होता है कि जो पीसेस हैं उसमें मसाला चारों तरफ से लिपट जाता है और खाने में बड़ा जायके का लगता है। तो आप इसे पराठे, नान किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी इसे लगातार चलाते हुए मुझे थोड़ा सा और भूनना है। ये मसाला हमारा धीरे धीरे देखिए दानेदार होता जा रहा है। तो ये देखिए कितने अच्छे से मसाला हमारा भुन चुका है और अब हम इसे कवर करके 2 मिनट के लिए रख देंगे, तो चिकन का जो भी कच्चापन है और मसाले का वो सब दूर हो जाएगा और चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसको ढक्कन हटा के देखा है, तो ये देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है और चिकन जो है हमारा बन के तैयार है। चलिए अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको डिश में निकाल लिया है और ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा ये चिकन लिपटमा या शाही चिकन कोरमा बन के तैयार है और मसाला भी इसका बहुत ही दानेदार बन के तैयार हुआ है और पीसेस भी हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं और मसाला इसके चारों तरफ से लिपट चुका है और ये बड़ा मज़े का बना है, बहुत अच्छी इसके अंदर से खुशबू आ रही है। तो इस तरीके से ये हमारे चिकन कोरमे की रेसिपी बन के तैयार है और ये देखिए कितनी जल्दी बन गई और कितनी मज़े की बनी है। तो ये देखिए इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी और दानेदार हमारी बन के तैयार हुई है। तो ये लीजिए मैंने इसे डिश आउट कर लिया है और इसका मसाला आप देख सकते हैं कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है और ये सारे पीसेस में चारों तरफ से लिपट चुका है। ये खाने में बड़ा मज़े का लगता है, ये और रेसिपी से चिकन की बहुत डिफरेंट है। तो ये लीजिए हमारा शाही चिकन कोरमा बनके तैयार है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए तो चलती हूँ और मिलती हूँ अपनी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।